person bought two watches for RS 480. He sold one at a loss of 15% and the other at a gain of 19%, and he found that each watch was sold at the same price. Find the cost price of the watches which was sold at a loss. देखो, दो वॉचेज हैं, तो मान लो फर्स्ट का सीपी है सीपी वन और दूसरे का सीपी है सीपी टू, ठीक है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 480। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सोचो, एज सिंपल एज दैट। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वन वॉच को इसने लॉस पे सेल करा है, कितने के, 15% के। तो फर्स्ट वॉच का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी वन आपको लिखोगे तो ये क्या बताएगा, 85% ऑफ सीपी वन, सही सुनो। और एसपी टू कितना होगा, एसपी टू में कह रहा है कि अदर एट ए गेन ऑफ 19%। सो यहां पे आप क्या लिखोगे, जो सीपी टू होगा सेलिंग प्राइस टू सेकेंड वॉच का, वो क्या होगा, वो होगा 119% ऑफ सीपी टू, तभी तो ये प्रॉफिट होगा। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां से सिंपली परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 17 से ये 5 और 17 से ये 7, तो 5 सीपी वन इज इक्वल टू आपको मिल गया 7 सीपी टू। आपको सीपी वन का चाहिए सिंस आपने इसको लॉस पे बेचा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो यहां पे क्या लिखोगे, 7 सीपी वन प्लस 7 सीपी टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 480 इंटू 7। और आपको पता है 7 सीपी टू का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 सीपी वन के। तो सिंपली क्या लिखोगे आप, 7 सीपी वन प्लस 5 सीपी वन इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 480 इंटू 7। यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 12 सीपी वन इज इक्वल टू 480 इंटू 7, ये 12 से ये 40, तो सीपी वन का वैल्यू आपको मिल जाएगा 280।